क्वेश्चन ये है कि एम मास का एक बॉल है जिसको ग्राउंड पर एच हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक उसी समय एक 2m मास के बॉल को ग्राउंड से अपवर्ड एक्शन में थ्रो किया जाता है। दोनों बॉल ग्राउंड से h बाई टू हाइट पर प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। तो फाइंड करना है कि कोलिजन के बाद जो कंबाइंड मास है वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये m मास का बॉल h हाइट पर है और 2m मास का बॉल ग्राउंड पर है। एज्यूम करते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ऊपर वाले बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है और अगेन t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ही नीचे वाले बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि दोनों बॉल t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पर ग्राउंड से h बाई टू हाइट पर प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। तो अब हम दोनों बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से जस्ट पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला बॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 से h बाई टू हाइट फ्री फॉल करता है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट अंडर 2g इंटू h बाई टू। दिस इज इक्वल टू रूट जी एच, ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि नीचे वाले बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन भी के इक्वल है, ठीक है। तो हम भी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगेन तीनों टाइम में ऊपर वाला बॉल एच बाई टू हाइट फॉल करता है और इसी टाइम में जो नीचे वाला बॉल है वो एच बाई टू हाइट राइज करता है, ठीक है। तो हम पहले टी नोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोलेटर सप्लाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन डाउन डायरेक्शन फॉर द अपर बॉल, ठीक है। तो ऊपर वाला बॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 से टी नोट टाइम में एच बाई टू हाइट फॉल करता है। सो वी हैव एच बाई टू इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी नोट स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाई दैट टी नोट इज इक्वल टू रूट अंडर एच बाई जी, ठीक है। मतलब इतने ही टाइम में जो नीचे वाला बॉल है वो एच बाई टू डिस्टेंस राइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे वाले बॉल के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला बॉल का डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में एस एच बाई टू के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल है और जो टाइम है वो टी नॉट के इक्वल है। तो इसको अप्लाई करके हम यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये अप्लाई करते हैं कि एस इक्वल टू भी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम भी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अप्लाई नहीं करेंगे और हम इस इक्वेशन को नीचे वाले बॉल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू एच बाई टू इक्वल टू यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी है और भी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, तो हो जाएगा भी इंटू टी नॉट दैट इज रूट अंडर एच बाई जी माइनस हाफ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी माइनस जी इंटू टी नोट स्क्वायर दैट इज एच बाई जी, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एच बाई टू इक्वल टू भी इंटू रूट एच बाई जी
माइनस माइनस प्लस, जी जी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच बाई टू। ठीक है, अगेन एच बाई टू, एच बाई टू कैंसिल एंड वी हैव वी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो वी हैव वी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये कि कोलिजन से जस्ट पहले जो नीचे वाला बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम फाइंड करते हैं। ठीक है, वी हैव इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी आई, सो पी आई इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल्स जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, इन डाउन डायरेक्शन, तो ऊपर वाले बॉल का मोमेंटम हो जाएगा एम इन टू रूट अंडर जी एच, प्लस नीचे वाले बॉल का मोमेंटम जीरो है जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम का फाइनल मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो प्योरली इनलास्टिक है, तो कंफर्म है कि कोलिजन के बाद दोनों मास कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कंबाइन मास है वो एम प्लस टू एम दैट इज थ्री एम के इक्वल हो जाएगा। और रिज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी डैश के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू थ्री एम वी डैश। ठीक है, नाउ वी हैव पी आई इक्वल टू पी एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह समझना इम्पोर्टेंट है कि पी आई और पी एफ दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। पी आई इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड पी एफ इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब कोलिजन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन, सिस्टम पर नेट फोर्स ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पर कोलिजन के दौरान सिस्टम पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल्स का जो वेट है वो एक्सटर्नल फोर्स है और वो कोलिजन के दौरान एक्ट किया है। तो कंफर्म है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये कि कोलिजन से जस्ट पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम पी आई था, और मान लेते हैं कि जो कोलिजन है वो डेल्टा टी टाइम के लिए है, मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों बॉल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो उस डेल्टा टी टाइम में बॉल्स का जो वेट है वो इंपल्स अप्लाई करेगा एंड द इंपल्स विल बी वेट दैट इज 3mg इनटू टाइम ऑफ कोलिजन दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, सो वी हैव इनिशियल मोमेंटम इन डाउन डायरेक्शन प्लस इंपल्स ऑन द सिस्टम इन डाउन डायरेक्शन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो अगर हम इस स्मॉल इम्पल्स को नेगलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि पी आई और पी एफ दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो नेगलेक्टिंग इम्पल्स ड्यू टू वेट ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी वी हैव पी आई इक्वल टू पी एफ। ठीक है, तो हम पी आई और पी एफ दोनों को इक्वेट करते हैं, सो वी हैव वी डैश इक्वल टू रूट जी एच बाई थ्री। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है कि जो कंबाइन मास है वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मान लेते हैं कि कंबाइन मास ग्राउंड को भी डबल डैश वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है,
तो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई वी डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस टू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एच बाई टू, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट वी डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर विल बी जी एच बाई नाइन प्लस जी एच दिस इज इक्वल टू टेन जी एच बाई नाइन, ठीक है। सो फाइनली वी हैव वी डबल डैश इक्वल टू रूट अंडर टेन जी एच डिवाइड बाई थ्री, तो आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अगेन एज्यूम करते हैं कि t इक्वल टू जीरो सेकेंड पर ऊपर वाले बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है और सेम टाइम t इक्वल टू जीरो सेकेंड पर ही नीचे वाले बॉल को अपर डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाता है। अगेन एज्यूम करते हैं t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड पर दोनों बॉल ग्राउंड से h बाई टू हाइट पर प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं, और ये भी एज्यूम करते हैं कि नीचे वाले बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन भी के इक्वल है, ठीक है। तो हम टी नॉट की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से फाइंड करते हैं। तो इनिशियली दोनों बॉल के बीच सेपरेशन एच के इक्वल है और ऊपर वाले बॉल के रिस्पेक्ट में नीचे वाले बॉल की वेलोसिटी यू के इक्वल है और एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बॉल का एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, सो द रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। सो वी हैव टी नॉट इक्वल टू सेपरेशन दैट इज एच बाई रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज यू, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले बॉल को कंसिडर करते हैं, तो नीचे वाले बॉल का डिस्प्लेसमेंट एच बाई टू के इक्वल है और इसकी एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाई टू की इक्वल होगी, ठीक है। सो वी हैव टाइम टेकन टी नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एच बाई टू डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी दैट इज यू प्लस वी बाई टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एच बाई यू प्लस वी, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन सी वी विल बी जीरो, ठीक है। सो क्लियरली वी विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर वी जीरो है तो कन्फर्म है कि यू की वैल्यू रूट अंडर जी एच की इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले बॉल की वेलोसिटी यू से जीरो होती है जब वो एच बाई टू डिस्टेंस राइज करता है, तो कंफर्म है क्योंकि वैल्यू रूट जी एच की इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, और ये जूम करते हैं कि जो कंबाइंड मास है वो ग्राउंड को भी डबल डैश वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो कंबाइंड मास 3m के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ वी हैव इनिशियल एनर्जी ऑफ बोथ द बॉल्स, तो जो नीचे वाला बॉल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू स्क्वायर दैट इज जी एच। अगेन ऊपर वाले बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू एम जी एच माइनस, तो यहाँ पर दोनों बॉल के बीच प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो हम लॉस इन
एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव लॉस एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास, दैट इज एम इंटू टू एम डिवाइड बाई एम प्लस टू एम इंटू स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो कोलिजन से जस्ट पहले दोनों बॉल्स के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रूट जी एस के इक्वल है. ठीक है, क्योंकि कोलिजन से जस्ट पहले ऊपर वाले बॉल की वेलोसिटी रूट जी एच के इक्वल होगी. ठीक है, सो द रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन विल बी रूट जी एच, तो हो जाएगा रूट जी एच स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज वी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इतना एनर्जी का लॉस हुआ है एंड द फाइनल एनर्जी इज हाफ इंटू थ्री एम इंटू वी डबल डैश स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनली बॉल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो इनिशियली सिस्टम के पास इतनी एनर्जी थी और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, तो उसको हमने सेपरेट कर दिया है. और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी माइनस लॉस के इक्वल होगा. ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट तो हो जाएगा एम जी एच प्लस एम जी एच, दैट इज टू एम जी एच माइनस दिस इज हाफ इंटू टू एम बाई थ्री जी एच. ठीक है, इक्वल टू थ्री बाई टू एम वी डबल डैश स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट यहाँ पर टू टू कैंसिल हो जाएगा सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव एम डी एच बाई थ्री इक्वल टू थ्री बाई टू एम वी डबल डैश स्क्वायर. अगेन मास मास कैंसिल, सो वी हैव वी डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू दिस इज टेन जी एच बाई नाइन. सो अगेन वी हैव वी डबल डैश इक्वल टू रूट अंडर टेन जी एच बाई थ्री. ठीक है, ठीक है, तो इसमें से हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.